She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर hospital, अपने अगर work place में safe नहीं है, तो वो क्या expect करते हैं? हम कैसे आगे कुछ treat करें? जब safety नहीं है, तो हम patients कैसे treat करें? आज हम बर्दाश्त करें, वो चीज़ कल किसी patient के साथ हो सकता है। Doctor safe नहीं अपनी duty में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक patient के साथ नहीं हो सकता जो ward में सो रहा है, यहाँ पे रात में भी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हो, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हो, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई, ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो, तो सोचिए अगर हर जख्म की कहानी कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा? खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, और जब तक घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा लिया। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वैशी उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था, उस चश्मे का ग्लास भी टूट कर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं रहा कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रहे, वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। हम लोग का जो मुद्दा है, आप जल्दी जल्द से जाओ, जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। ये चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है।